नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की, जो कि एक डोंकी और एक फॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसके अराउंड ये स्टोरी रहती है, क्या क्या होता है स्टोरी में हम सभी पढ़ेंगे। इसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और इसमें नए नए जो वर्ड्स आएंगे इंग्लिश के, उसकी मीनिंग भी हम जानेंगे। उसका आपको प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा नए नए जो सेंटेंस है आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके भी हम ट्रांसलेट करना यहाँ पे सीखेंगे। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं और सबसे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल। इसका टाइटल है नो आई विल सिंग, यानी कि नहीं मैं गाऊंगा। विल का यूज कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में। गा गेगी यानी गाऊंगा, सिंग यानी गाना, तो आई विल सिंग मतलब मैं गाऊंगा। यदि ऐसे होता आई विल ईट, सिंग की जगह यदि ईट लिखा होता, ई ए टी ईट यानी खाना, तो इसका मतलब होता है नहीं मैं खाऊंगा। तो ये आपको समझ आ गया, ये इसका टाइटल है। आप देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। वंस देयर वॉज अ डंकी, कहीं पर एक गधा रहता था। हु वॉज, जो कि, जो था, क्या था? वेरी फाउंड ऑफ सिंगिंग। फाउंड ऑफ सिंगिंग मतलब गाने का बड़ा शौकीन था, उसे गाने का बहुत शौक था। द डंकी डिड नॉट हैव, गधे के पास नहीं था। डिड नॉट हैव यानी पास में होना, डिड नॉट यानी नहीं था, उसके पास नहीं था। अ गुड वॉइस, एक अच्छी आवाज नहीं थी। एंड सो ही वॉज, इसलिए ही वॉज ऑफन एडवाइज अगेंस्ट सिंगिंग। एडवाइज, एडवाइस यानी सलाह देना, तो उसे हमेशा सलाह मिलता था। किसका सलाह मिलता था? अगेंस्ट सिंगिंग। अगेंस्ट यानी होता है विरुद्ध होना, खिलाफ होना, गाने के खिलाफ, उसके गाने के आवाज के खिलाफ सबको क्या करते थे? एडवाइस देते थे कि तुम्हें गाना नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। बट द डोंकी, लेकिन गधा, नेवर लिसन, नहीं सुनता था। लिसन यानी सुनना, ईडी लगा यानी पास, लिसन यानी सुनना, ईडी यानी सुनता था। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। टू एनी वन, एनी वन यानी किसी की भी, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता था, किसी की भी नहीं सुनता था। ही ऑलवेज सैड, वह हमेशा कहता था। ऑलवेज यानी हमेशा, सैड यानी कहना। नो आई विल सिंग, नहीं मैं गाऊंगा। ड्यूरिंग द डे, उन दिनों, ड्यूरिंग द डे मतलब उन दिनों, द डोंकी वर्क्ड फॉर अ वॉशरमैन। डोंकी वर्क, तो गधा काम करता था, वर्क यानी काम करना, फॉर यानी के लिए, अ वॉशरमैन यानी एक धोबी के लिए। तो देखिए वॉशरमैन नया वर्ड, यदि आप नहीं जानते धोबी को वॉशरमैन कहते हैं इंग्लिश में, तो धोबी के लिए काम करता था। हाउएवर, हालांकि, एट नाइट, रात को, ही वॉज फ्री टू रोम, वो क्या था? फ्री यानी आजाद था। रोम, रोम यानी होता है घूमना, है रोम से रोमिंग बना है। रोमिंग जैसे फोन का जो कवरेज एरिया, मतलब जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं स्टेट से बाहर, तो रोमिंग लिखा आता है, वही है, रोम से मतलब घूमने से होता है। तो ही वॉज फ्री टू रोम, वह घूमने के लिए आजाद था। वेर एवर ही लाइक, वेर एवर यानी कहीं भी, ही लाइक यानी जो उसे पसंद है, उसे जहां भी पसंद है वो घूमने के लिए फ्री था। बट ही वुड, लेकिन उसे क्या था? रिटर्न होम, लेकिन उसे घर लौटना पड़ता था। इन द मॉर्निंग, लेकिन उसे घर सुबह घर पहुंचना पड़ता था, लौटना पड़ता था, रिटर्न यानी लौटना। वाइल रोमिंग इन द फील्ड, वाइल यानी जब, रोमिंग इन द फील्ड, फील्ड यानी होता है खेत, जब खेत में घूमते हुए, द डोंकी मीट्स अ, सॉरी, द डोंकी मेट अ फॉक्स। मेट, मेट यानी मिला, गधे, गधे ने किससे मिला, गधे की मुलाकात किससे हुई? एक फॉक्स से, एक लोमड़ी सी, लोमड़ी से। दे बिकम गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त बन गए। द फॉक्स वॉज हैप्पी, लोमड़ी बहुत खुश हुई। टू हैव द डोंकी, गधे को पाकर, हैव यानी उसे पाना। एज हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के रूप में, एज हिज फ्रेंड मतलब के दोस्त के रूप में। बिकॉज, क्योंकि, द स्ट्रांग एंड हेल्दी डंकी, स्ट्रांग, स्ट्रांग यानी होता है मजबूत, हेल्दी यानी स्वस्थ, जो मजबूत और स्वस्थ गधा है। वुड ब्रेक द फेंस, ब्रेक यानी तोड़ना, फेंस, फेंस का मतलब होता है, यहाँ पे नया शब्द आपको मिला, फेंस, फेंस मतलब होता है बाड़ा या घेरा, किसी खेत को जानवरों से बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए जो घेरा लगाते हैं उसे फेंस कहते हैं। फॉर देम, उसके लिए। टू इंटर द फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेत में घुसने के लिए। तो वो बहुत खुश था कि बहुत ही स्ट्रांग यानी मजबूत और स्वस्थ गधा मेरा दोस्त बना है, ये क्या करेगा, जो बाड़ा है, जो घेरा है उसे तोड़ लेगा ताकि मैं खेत के अंदर घुस सकूं। दे वुड देन, उसके बाद वे,
इंजॉय ईटिंग द फ्रेश एंड राइप पम्पकिन। उसके बाद वे क्या करने लगे, इंजॉय करने लगे यानी आनंद लेने लगे, मौज करने लगे। ईटिंग यानी खाकर, फ्रेश यानी ताजा, राइप यानी होता है पका हुआ, राइप यानी पका हुआ। पम्पकिन, पम्पकिन का मतलब होता है कुमड़ा, उसका फोटो आपको आगे दिखा दूंगा। द टू फ्रेंड्स वुड पार्ट एट डाउन, और वे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन दिस वे, और इस रास्ते पर और ऐसा करते हुए, द फॉक्स एंड द डंकी, और जो लोमड़ी और गधा था, मीट एवरी नाइट। एवरी नाइट मतलब होता है प्रत्येक रात्रि को, यानी हर रात वे क्या करने लगे, मिलने लगे, मीट यानी मिलने लगे। एंड एंजॉय टुगेदर इन द फील्ड्स, और बहुत ही मस्ती करने लगे, कहाँ, खेत में मस्ती करने लगे, फल जो सब्जी, वो जो सब्जियां थी उसे खाने लगे। वन नाइट, एक रात, द डोंकी स्टूड इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड। डोंकी स्टूड, स्टूड यानी खड़ा होना, वो खड़ा था, कहाँ खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड, मिडिल यानी होता है बीच में, फील्ड, फील्ड यानी खेत के बीच में खड़ा था। एंड लुकड अप, और ऊपर देखा, एट द स्काई, आसमान को देखा ऊपर, आ ओ हो, और गाना स्टार्ट कर दिया। लुक एट द मैग्निफिसेंट, लुक एट द मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। फुल मून, पूरा चांद। ही सैड, उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द मून लाइट इज, कितना सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल मतलब होता है, हाउ ब्यूटीफुल मतलब कितना सुंदर। द मून लाइट इज यानी चांद की रोशनी है। हाउ रोमांटिक द एटमोसफियर हिज इज, हाउ रोमांटिक, हाउ यानी होता है कितना रोमांटिक, यानी प्यार भरा, कितना प्यार भरा। एटमोसफियर का मतलब होता है वातावरण, कितना प्यार भरा वातावरण यहाँ पर है। आई फील लाइक सिंगिंग, मुझे गाने का मन हो रहा है, या मुझे गाने का मन कर रहा है। उसके बाद देखिए यहां पे ये पम्पकिन बताया था, ये पम्पकिन है कुमड़ा। फिर देखिए, द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, यू फूल, यू फूल, तुम मूर्ख, डोंट रिमेंबर, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है, दैट वी हैव, कि हम, दैट यानी कि वी हैव, हम ट्रेसपैज, देखिए ट्रेसपैज का मतलब होता है धोखे से, कि हम धोखे से ऑन somebody's फील्ड, somebody's यानी किसी के खेत में घुसे हैं, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम धोखे से किसी के खेत में घुसे हैं। एंड आर ईटिंग, और हम खा रहे हैं, हिज क्रॉप, उसके फसल को। आप यहाँ पे देखिए नया शब्द आपको मिलेगा, स्टील्थली, स्टील्थली का मतलब होता है चोरी से, और हम उसके फसल को चोरी से खा रहे हैं। क्रॉप का मतलब होता है फसल। हाउ कैन यू सिंग, तुम कैसे गा सकते हो, कैन यानी सकना, हाउ कैन यू यानी तुम कैसे गा सकते हो। While you are stealing, while यानि जबकि, जब तक, you are stealing, जबकि तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, चोरी करते हुए तुम कैसे गा सकते हो। The donkey said, गधे ने कहा, well, अच्छा, who will see us at night, हमें रात को कौन देखेगा, who will see, कौन देखेगा at night, रात को। Everyone is fast sleeping, fast asleep, फास्ट असलीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। एवरी वन यानी सभी कोई गहरी नींद में सो रहे हैं। आई फील लाइक सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग टू नाइट, मुझे आज रात बहुत ही अच्छा गाने का मन कर रहा है। फील लाइक यानी फील होना, यानी महसूस होना, लाइक करना यानी पसंद, मुझे गाने गाने का मन हो रहा है। टेल मी, मुझे कहो, वॉट शुड आई सिंग, शुड यानी चाहिए, वॉट शुड यानी मुझे क्या चाहिए, आई सिंग यानी गाना चाहिए, मुझे क्या गाना चाहिए, टेल मी, मुझे कहो। उसके बाद देखो ये इस प्रकार से, देखो वो गा रहा है, और यहाँ पे लोमड़ी उसे देख रही है, और यहाँ पे आपको फुल मून दिख रहा है, मून लाइट यानी चांद की रोशनी। अब देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। डोंट यू हैव ब्रेन्स, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। डोंट यानी नहीं होना, यू हैव यानी तुम्हारे, ब्रेन्स यानी दिमाग। You silly animal, silly यानी होता है मूर्ख, animal यानी जानवर, तुम मूर्ख जानवर, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। Said the fox, लोमड़ी ने कहा, rather angrily, angrily का मतलब होता है गुस्से से, लोमड़ी ने गुस्से से कहा, if you start singing, यदि तुम गाना शुरू करोगे, the watchman will wake up, watchman, watchman का मतलब होता है पहरेदार या रखवाली करने वाला, will wake up, वो उठ जाएगा, wake up यानी उठ जाएगा। Then he will surely, उसके बाद वह surely यानी अवश्य ही, जरूर,
ही विल, वो जरूर हमें क्या करेगा, बीट अस टू डेथ, बीट अस टू डेथ मतलब मरते दम तक मारेगा, बीट बीट यानी होता है मारना, वो हमें मरते दम तक पीटेगा, बीट यानी होता है पीटना। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, इंस्टेड यानी वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम यानी अपने समय को बर्बाद करने की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, अपने समय को बर्बाद करने के बजाय, इन सिंगिंग यानी गाना गाकर अपने समय को बर्बाद करने के बजाय, व्हाई डोंट यू एंजॉय ईटिंग द स्वीट पम्पकिंस, तुम मीठे मीठे जो मीठे कुमड़ा है उसे खाकर क्यों इंजॉय नहीं लेते हो, क्यों मजे नहीं करते हो। द डोंकी सेड, डोंकी ने कहा, गधे ने कहा, सिंस यू लिव इन द फॉरेस्ट, तुम इतने समय से जंगल में रह रहे हो, रहते हो या रह रहे हो, यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज, तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं है, नॉलेज यानी होता है जानकारी होना किसी चीज़ की, तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं है, अबाउट, अबाउट यानी के विषय में, किसके विषय में, सॉन्ग एंड म्यूजिक, सॉन्ग यानी गाना, म्यूजिक यानी संगीत, तुम इतने समय से जंगल में हो लेकिन तुम्हें गाना और संगीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नाउ आई विल सिंग अ नाइस सॉन्ग, अब मैं बहुत ही अच्छा गाना गाऊंगा, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन यानी सुनना, मुझे सुनो, केयरफुली यानी बहुत ही ध्यान से सुनो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, वेदर द पम्पकिंस आर स्वीटर देन माई सॉन्ग्स, कि मेरे, कि मेरा आवाज़ ज़्यादा मीठा है, मेरी आवाज़ ज़्यादा मीठी है, कि ये जो कुमड़ा है वो ज़्यादा मीठा है, मुझे बताना सुनकर, ये डोंकी ने फॉक्स से कहा। उसके बाद देखते हैं, द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, यू मे सिंग इफ यू लाइक, तुम गा सकते हो यदि तुम्हें पसंद है, यदि तुम चाहते हो तो तुम गा सकते हो, बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस फील्ड, लेट मी गेट आउट यानी मुझे बाहर जाने दो, ऑफ दिस फील्ड, इस खेत से बाहर जाने दो, आई विल कीप एन आई ऑफ द वॉचमैन, मैं वॉचमैन पर, जो रखवाला है उस पर क्या करूंगा, नजर रखूंगी, आई विल कीप एन आई, आई कीप एन आई मतलब नजर रखना, डोंट स्टार्ट सिंगिंग, गाना स्टार्ट मत करना, गाने की शुरुआत मत करना यानी गाना गाना शुरू नहीं करना, अनटिल, अनटिल यानी जब तक कि, आई गो आउट ऑफ दिस फील्ड, जब तक मैं इस खेत से बाहर ना चले जाऊं, सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द फॉक्स लेफ्ट द फील्ड, जो लोमड़ी थी वो वहां से चली गई। द डोंकी बिगन टू सिंग लाउडली, और गधा जो था वो क्या किया, बिगन, बिगन यानी होता है शुरू करना, बिगन यानी शुरू किया, टू सिंग लाउडली, लाउडली यानी होता है तेज, तेज आवाज में, और बहुत ही तेज आवाज में गाना शुरू कर दिया, आहा ओहो, अपने आवाज में गाना गाना शुरू कर दिया। द वॉचमैन ऑफ द फील्ड, और जो खेत का रखवाला था, वोकअप यानी जाग गया, जागा, वेकअप का पास्ट टेंस है वोकअप, ही ग्नेज हिज टीथ, ग्नेज, ग्नेज यानी होता है दांत पीसना, हिज टीथ, टीथ यानी दांत, ग्नेज यानी पीसना, अपने दांत को पीसना, गुस्से से दांत पीसते हैं, पिक्ड अप हिज स्टिक, पिक्ड अप मतलब होता है उठाना, हिज स्टिक यानी अपने छड़ी को उठाया, एंड रैन टू द फील्ड, रैन, रन का ये पास्ट टेंस है, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ा, टू द फील्ड, खेत की ओर दौड़ा, ही कॉट द डंकी, कॉट यानी होता है पकड़ना, कैच से कॉट बना है, कैच यानी पकड़ना, कॉच, कॉट यानी पकड़ा, और क्या किया, डोंकी को पकड़ा, यहाँ पे जी का उच्चारण नहीं होगा, आप जो साइलेंट लेटर वाले मेरे वीडियो देख सकते हैं, और गधे को पकड़ लिया, एंड बीट हिम अप, बीट हिम अप मतलब होता है पिटाई करना, और उसकी पिटाई करने लगा, सेवरली, सेवरली का मतलब होता है बहुत ही कठोरता से, निर्दयता से उसे मारने लगा, द हेल्पलेस डोंकी, हेल्पलेस यानी जिसकी हेल्प करने वाली कोई ना हो, तो जो मदद, गधे के मदद करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, जो डोंकी फेल डाउन, गधा गिर पड़ा, ऑन द ग्राउंड, कहाँ गिर पड़ा, ग्राउंड यानी होता है जमीन, जमीन पर गिर पड़ा, द वॉचमैन देन फिक्स्ड, उसके बाद वॉचमैन ने क्या किया, रखवाले ने क्या किया, फिक्स्ड यानी उसके गले पर बांधा, बांधा, द योक, योक यानी होता है एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा जो बदमाशी करते जानवर उसके गले में बांधते हैं, आगे फोटो में देख लेंगे, अराउंड द डंकी स्नेक, अराउंड यानी चारों ओर, डंकी स्नेक, नेक यानी होता है गर्दन, गधे के गर्दन के चारों ओर उसे बांध दिया, एंड गेव हिम, और क्या दिया, मोर ब्लोस फ्रॉम हिज स्टिक, फ्रॉम हिज स्टिक, अपने छड़ी से मोर ब्लोस, ब्लोस यानी होता है चोट, अपने छड़ी से और ज़्यादा चोट देने लगा, और ज़्यादा घाव देने लगा, ये देखिए पम्पकिन ही है, ये चित्र बना हुआ है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, द डंकी रिथ डे इन पेन,
और गधा था क्या करने लगा, पेन, पेन है दर्द से कराहने लगा, रिद्धि यानी कराहना। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद ही गॉट अप वह उठा विथ ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बहुत परेशानी से उठा, एंड स्लोली और धीरे से लिम्ड, देखिए नया सीखने को मिला यहाँ पे, लिम्ड, लिम्ड मतलब होता है लंगड़ाना लड़खड़ाना, आउट ऑफ द फील्ड और लड़खड़ाते हुए खेत के बाहर आया। द फॉक्स हैज बीन वॉचिंग और जो लोमड़ी था वो क्या कर रही थी, वॉचिंग यानी देख रही थी, ऑल दिस फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड यानी बाहर से, फील्ड यानी खेत, खेत के बाहर से ये सब देख रही थी। वंडरफुल ओ फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मेरे दोस्त, वंडरफुल यानी बहुत ही अच्छा, ओ फ्रेंड मेरे दोस्त, ही सैड उसने कहा, यहाँ पे नया शब्द आपको सीखने को मिलेगा, ये है साराकास्टिकली, साराकास्टिकली मतलब होता है, साराकास्टिकली का मतलब होता है व्यंग से, मजाक से, मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, यू आर इंडीड अ ग्रेट सिंगर, यू आर तुम हो इंडीड यानी वास्तव में सचमुच में, अ ग्रेट सिंगर एक बहुत ही अच्छे गायक हो। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द वॉचमैन अपेयर्ड, वॉचमैन आया होगा, अपेयर्ड मतलब होता है पहुंचना, वहां पहुंचा होगा, टू माइट प्लीज्ड विथ योर सिंगिंग, माइट प्लीज्ड, माइट यानी होता है सकना, हो सकता है क्या किया हो, प्लीज विथ योर सिंगिंग, प्लीज यानी आनंद से प्रसन्न होकर, योर सिंगिंग तुम्हारे गाने से बहुत ज्यादा खुश होकर, वहां पे वॉचमैन जो रखवाला आया होगा, ही हैज नॉट ओनली अप्रिशिएटेड यू, वो केवल तुम्हें शाबाशी नहीं दी, अप्रिशिएट करना यानी किसी को शाबाशी देना, उसने केवल तुम्हें शाबाशी नहीं दी, योर वॉइस तुम्हारे आवाज को शाबाशी नहीं दी, बट ऑल्सो इसके अलावा अवॉर्डेड यू विथ दिस मेडल, अवॉर्डेड यानी किसी को उपहार देना, विथ दिस मेडल अराउंड योर नेक यानी तुम्हारे गले के चारों ओर जो ये बंधा हुआ है, इसे इसने क्या किया, तुम्हें अवार्ड दिया, भेंट दिया है, तुम्हें मेडल दिया है, उसे ऐसे वो भेड़िया क्या कर रहा है, उकसा रहा है, झूठ बोल रहा है। द डोंकी वॉज स्टिल राइजिंग इन पेन, और जो गधा था उसके बाद भी स्टिल यानी वो अभी तक क्या कर रहा था, दर्द से कराह रहा था, उसके बाद बट लेकिन ही कंटिन्यूड टू सिंग, उसके बाद भी कंटिन्यू यानी होता है जारी रखना, उसके बाद भी वो अपना गाना जारी रखा, आहा ओहो, उसके बाद भी वो अपने उस आवाज में गा रहा था, उसको पिटाई पड़ ही रही थी, क्योंकि क्या हुआ, इसलिए तो बोलते हैं कि गधा हो, जैसे कोई अच्छे से पढ़ता लिखता नहीं है तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो गधा है, किसी काम को नहीं कर पा रहा, तो गधा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इतना मार पड़ने के बाद भी गधा समझ नहीं पाया, और वो जो लोमड़ी उसे क्या कर रही थी, बार बार बेवकूफ़ बना रही थी, वो बन जा रहा था। तो इस प्रकार से स्टोरी थी, इसमें देखिए ये जो उसके गले में जो चारों ओर बांधा हुआ, इसी को मेडल कह रहा था वो लोमड़ी कह रही थी, और ये इसे ये देखिए इस प्रकार गले के चारों ओर बांधा था, और इस प्रकार बीट, बीट हम, बीट हिम अप यानी पिटाई करना, तो स्टिक यानी इसकी छड़ी या लाठी। तो देखिए इस प्रकार से आपको नए नए यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे सीखने को मिला, कौन कौन सा है, एक दो वर्ड्स हम देख लेते हैं जो हमें बहुत ही नया यहाँ पे सीखने को मिला है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे लिसन यानी होता है सुनना, इसके बाद एडवाइस यानी होता है किसी को एडवाइस करना यानी सलाह देना, उसके अलावा हमने देखा वॉशरमैन मतलब धोबी, और यहाँ पे फेंस यानी होता है बाड़ा, पम्पकिन यानी होता है राइप पम्पकिन यानी पके हुए कुम्भड़ा, इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे देखते हैं, टुगेदर यानी होता है एक साथ, स्काई यानी होता है आसमान, मूनलाइट यानी चांद की रोशनी, एटमॉस्फियर का मतलब होता है वातावरण, और यहाँ पे देखिए फूल यानी होता है मूर्ख, इसके बाद ट्रेस्पैज, ट्रेस्पैज का मतलब मैंने बताया धोखे से, और यहाँ पे लिखा हुआ स्टील्थली यानी कि चोरी से, स्टीलिंग यानी चोरी करना, फास्ट असली मतलब गहरी नींद में, उसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे देखते हैं हम, ब्रेन्स यानी होता है दिमाग, एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, यहाँ पे इंस्टेड यानी कि वास्तव में, यहाँ पे के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ये करने के बजाय आप ये करिए, उसके अलावा अबाउट यानी होता है के विषय में, नॉलेज यानी जानकारी, और देखिए क्या क्या सीखने को मिला, और यहाँ पे देखिए अनटिल यानी होता है जब तक, बिगन यानी होता है शुरुआत करना, और वोकअप यानी जागा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा ग्नेज्ड, ग्नेज्ड यानी होता है पीसना, हिस्टीथ यानी अपने दांत को पीसना, पिक्ड अप यानी उठाना, स्टिक यानी छड़ी, और कुछ देखते हैं, ब्लो, ब्लो यानी होता है चोट देना, उसे चोट पहुँचाना, और आखिरी पेज में देखिए क्या क्या हमने यहाँ पे सीखा, पेन यानी होता है दर्द, ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत परेशानी से, और नया शब्द देखिए लिम्ड अप, लिम्ड यानी होता है लड़खड़ाते हुए लड़खड़ाना,
उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने ये नया शब्द यहाँ पे देखा था सारा काष्टकली, इसका मतलब होता है व्यंग से मजाक उड़ाते हुए, इंडीड यानी वास्तव में, और अराउंड योर नेक मतलब गले के चारों ओर, और पेन यानी दर्द बताया था, कंटिन्यू यानी जारी रखना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमने नए नए शब्द हमको यहाँ पे इंग्लिश के सीखने को मिला, उसका मीनिंग और हमने ट्रांसलेट करना भी सीखा। तो बड़ी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, यदि थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।